आई एम सॉरी, वो मैंने बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया. एक्चुअली आपकी मदर को देखा ना, बहुत परेड लग रही थी कि आप सेटल हो जाओ, तो मैंने पूछ लिया. बट आई डिडंट मीन टू. आई एम रियली सॉरी. किसी ने आज तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा जिस तरह से आपने पूछा. घर वाले सिर्फ इतना चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि मेरे मना करने के पीछे वजह क्या है. मैंने भी जरूरी नहीं समझा किसी को ये बताऊं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता, मेरे दिल में क्या है. क्यों किसी को बताऊं कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता. आज पहली बार मुझसे किसी ने पूछा. जब डैड को हार्ट अटैक आया तब मैं कॉलेज में था, जस्ट बच्चा था. घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं घर की, पापा के बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊं. इस उम्र में लड़के फ्लोटिंग और डेटिंग करते हैं. मैंने अपनी फैमिली और बिजनेस का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी. पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर. लगता सो रहा है, अब क्या करूं? इलाज करूं या वापस चली जाऊं? वापस लौट जाती हूं. वैसे भी इस बदतमीज के लिए मैं क्यों कुछ करूं? दादी को कहूंगी. सो रहा था. आप उठ गई? चलिए शुरू करते हैं. करण का शोल्डर ठीक हुआ? करण अब बहुत गहरी नींद में सो रहे हैं, तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया. कोई बात नहीं, फिर कर देंगे. आप फिर वेर नहीं चलेगा. वो ना पेन से तड़प रहा है और तुम कह रही मैं एक्सरसाइज करूं. कैसी डॉक्टर हो तुम? पेशेंट की इमरजेंसी नहीं समझती. जब तक उसका शोल्डर फिक्स नहीं होता मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगी. ओके, मैं दोबारा जाकर चेक करती हूँ. अब आएगा मजा जब करण करेगा इसकी छुट्टी. मम्मी जी आ गई मिठाई में खटाई डालने वाली. आ रही हूँ. मैं एक फिजियो हूँ, यही तो मेरा काम है, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ मैं? क्योंकि इस आदमी में बुराइयाँ कूट कूट के भरी हुई हैं. जिस तरह ये लड़कियों के साथ पेश आता है, इसे छूना भी अजीब लगता है. जाने दे प्रीता, इसे बस अपने पेशेंट की तरह ट्रीट कर. इस दर्द के इलाज सिर्फ तुम ही कर सकती हो. थोड़ा थोड़ा नीचे, थोड़ा बीच में, थोड़ा सा. सोफिया तुम कहाँ थी? ये तो मुझे कोई सोफिया समझ रहा है. जल्दी से ट्रीटमेंट करके मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए. रुक क्यों गए? I love you, Sophia. दादी ने मुझे बोला है तुम्हारे शोल्डर का ट्रीटमेंट करने के लिए. डोंट टच मी. अरे फिर मैं तुम्हारे शोल्डर का इलाज कैसे करूंगी? ओह, तुम्हें लगता है मैं इतना बड़ा उल्लू का पट्टा हूँ? इतना बेवकूफ हूँ? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे छूना चाहती हो. दूर हटो मुझसे. व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारा दिमाग खराब हो गया. आई एम हियर फॉर द ऑडिशन. थैंक यू. हे समायरा, कांग्रेट्स, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया. सिलेक्शन कैसे? मैंने तो ऑडिशन दिया ही नहीं. बेव, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोहन है और रोहन की लुथरा ब्रदर्स के साथ दोस्ती है. इवन समीर लुथरा मेरा बेस्ट फ्रेंड है. आई डोंट बिलीव दिस. थैंक यू सो मच. टाइम टू पार्टी. यस. अरे एक्सक्यूज मी, ये सब हो क्या रहा है?
हम में से किसी ने भी ऑडिशन नहीं दिया है और सिलेक्शन ऑलरेडी हो गया। ये तो चीटिंग है, हमको क्यों बुलाया? काम डाउन गर्ल्स, समय सर की उस लड़के के साथ पहचान है पर इसका मतलब नहीं कि इस एड पर कोई फर्क पड़ने वाला है, तो प्लीज अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, यहाँ का बॉस कौन है? मुझे उनसे मिलना है। नहीं, आप हमारे सर से नहीं मिल सकते। हम लोग को मिलना है। नहीं मिल सकते आप। गर्ल्स काम डाउन, गर्ल्स काम डाउन। नहीं मिल सकते आप लोग, काम डाउन। अरे ये तो वही मैच का फोटो है जो मैंने नासिक में देखा था मेरे घर पे। करण, ओ करण, एक ऐसे छक्का, एक ऐसे चौका नहीं गया है जिस पर मैंने उछल उछल के बल्ले बल्ले डांस ना किया हो पूरे घर में। ओ हेलो, अब तो ये साबित हो गया ना कि तुम झूठे भी और शॉर्ट भी। शॉर्ट होने से भला कोई झूठा कैसे साबित हो सकता है? मैं सच बोलती हूँ, ये तो यकीन हो गया ना। मैंने तुमसे कहा कि तुम शॉर्ट हो लेकिन तुम्हें यकीन नहीं हुआ। देख लिया ना प्रूफ, मतलब तुम शॉर्ट हो। तो जब मैं कह रही हूँ कि तुम झूठे हो मतलब तुम झूठे हो। जब मैं कह रही हूँ कि आई एम द बेस्ट मॉडल फॉर दिस एड एंड प्लीज कंसीडर मी मतलब कंसीडर मी प्लीज। यू नो व्हाट, झूठे लोग ना बहुत जिद्दी होते हैं, जिद्दी। तुम है ना मुझे बहुत अपसेट कर रहे हो। अब अगर तुम मुझे हाथ जोड़ के भी बोलोगे ना कि प्लीज ये ऐड कर ले तब भी नहीं करूंगी, तो मुझे जितना भी रोकने की कोशिश करो देख लेना नहीं रुकूंगी, चली जाऊंगी। तुम ना, तुम मुंबई की सबसे बेस्ट मॉडल को ठुकरा रहे हो, याद रखूंगी मैं ये। मैं जा रही हूं और मुझे मत रोकना, ओके? मैं जा रही हूं, रोकना नहीं मुझे, मैं जा रही हूं। इतना सुनाया फिर भी नहीं रोका मुझे, इगोइस्टिक बंदा। हाँ, प्रूफ जो कर लिया मैंने कि ये मेरे से शॉर्ट है, ईगो पे आ गई होगी इसकी, मेल ईगो, आई टेल यू। प्रीता दी को क्या बोलूंगी कि सिर्फ 2 इंच की वजह से मुझे ये ऐड नहीं मिला। प्रीता दी, शुक्र है तुम मेरी डाइटिशियन नहीं, वरना पेट भूखा और गला सूखा ही रखती। आपको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ना, क्योंकि तुम में कोई पसंद करने लायक चीज ही नहीं है। आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और आपको थेरेपी की बहुत जरूरत है। यही ख्याल तो मुझे कांटे की तरह दिमाग में चुभता है। वैसे तुम्हें कौन सा कांटा लग गया? तुम्हारा दुपट्टा फटा हुआ है। अब आपको ठीक लग रहा है? जब तक तू यहाँ से चली नहीं जाती ना कुछ ठीक नहीं होगा। जब तक पूरी एक्सरसाइज नहीं होती तब तक मैं नहीं जा सकती। आह, कितना दर्द हो रहा है, क्या कर रही हो? मेरा पैर तोड़ दिया हो। क्या हुआ दादी? ओह, तो ये दादी का नया ट्रिक है मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए। इतनी देर से कह रही हो मेरे पैर को मत मरोड़, लेकिन ये सुनती नहीं, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है। अरे इतना दर्द हो रहा है, मुझे लगता है मेरी हड्डी क्रैक हो गई है। आह, मैं नहीं चल पाऊंगी। अच्छा, मैंने तुझे बोला था ना कि ये अच्छी डॉक्टर है ही नहीं। एक पेशेंट को समझ में आता है कि एक डॉक्टर कैसा होता है। बेवकूफ लड़की, दिखाई नहीं देता, मेरी साड़ी खराब हो जाती। हाय रब्बा, मैं भूल गई कौन से पाँव में दर्द था। आ, 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 आप पहले डिसाइड कर लो कि आपको दर्द कहाँ पर है। लेफ्ट में कि राइट में? कंफ्यूजन तो तू ही कर रहा है। राइट में दर्द है क्या लेफ्ट में? मेरी प्यारी सी दादी, अब आपको जितनी नौटंकी करनी है, जितनी एक्टिंग करनी है, दिल खोल के करो, क्योंकि अब तो ये फिजियो चेंज होने नहीं वाली। अब आप इनके खिलाफ कुछ भी बोल लो, मैं आपकी एक नहीं सुनूंगा। एंजॉय योर फिजियो सेशंस। अरे अरे दादी, क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बेटा, ये बल्ब फ्यूज हो गया, बस इसको मैं बदल रही थी, सिर्फ 2 मिनट का काम है। क्या दादी, ये 2 मिनट के चक्कर में 2 महीने बिस्तर पकड़ना पड़ता तो आप गिर जाते। तो लाइए, मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। नेक्स्ट टाइम से कुछ भी हो ना आप मुझे बताइएगा। मेरी बैग पकड़ी है क्यों? लग गया। हाँ। इसका स्विच कहाँ है? वो वाला। अच्छा, ऊपर वाला। देखा, बल्ब जल गया दादी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे, आखिर है तो मेरा ही खून ना। क्या हुआ दादी, ऐसे क्या देख रहे हैं? अरे मैं यही कह रही थी कि लंबे होने के बड़े फायदे, देखना तूने हाथ ऊपर किया और बल्ब ऐसे ही बदल दिया। फायदे तो हैं,
लेकिन लंबे होने के नुकसान भी है दादी। क्या मतलब? आज तो कुछ बुझी बुझी है, ऐसा लगता है जैसे तेरे अंदर का भी फ्यूज उड़ गया। जब देखो तो ये मत करो, वो मत करो, इसका नाम मत लो, उसका नाम मत लो। राजधानी एक्सप्रेस बस धौस जमाना जानती है। माँ है क्या मेरी जो इनकी पूरे महीने का रेंट चाहिए ना इन्हें, पूरे महीने का। हाँ पूरे महीने के पैसे चाहिए ना इन्हें, आज ही इनके मुंह पे सारे पैसे मारूंगी और अपनी दी को लेकर निकल जाऊंगी। मेरी पसंद ना पसंद, मेरी चॉइस डिसाइड करने का किसने हक दिया इन्हें? अभी दिखाती हूँ। किसी गलती होगी मुझे पूरे महीने के पैसे चाहिए ना, दे दूंगी मैं आपको पैसे, लेकिन मुझे मेरी आजादी बहुत प्यारी है। आपके कायदे कानून गए तेल लेने। आप अपनी पीजी को गुलाम बनाकर रखना चाहते हो ना, लेकिन आई एम सॉरी मुझसे नहीं होगा। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी एंड फॉर वंस इस जेल खाने से निकल जाऊंगी। अरे सृष्टि सृष्टि रुक, तो हो गई तसल्ली तुझे? एक्सक्यूज मी, आपका दुपट्टा वो एकदम नीचे तक आ गया, पैरों में आ गया तो आप गिर सकते हैं। मैं ठीक से फिक्स कर दूं प्लीज? वैसे आप प्रीता हो ना, मेरी नानी की नई फिजियोथेरेपिस्ट? या इट्स डन, थैंक यू सो मच। प्रीता ये मिठाई मैं जयपुर से लाई थी और अभी तक किसी को भी नहीं खिलाई, बट तुम इतनी स्वीट हो तो आई एम थिंकिंग तुम्हें पहले ये मिठाई टेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। तुम्हारा रिश्ता पक्का होने वाला है ना? आई नो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वैसे रिश्ता तो कब का तय हो चुका है, शादी है। रियली? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें पक्का इनवाइट करूंगी, आओगी ना? श्योर। देख कैसे अपनी दोस्ती का जाल फैला रही है, पहले ऋषभ को अपनी मुट्ठी में किया, अब कृतिका को मुट्ठी में कर रही है। धीरे धीरे सारे घर को अपने वश में कर लेगी। बहुत ही खतरनाक स्मार्ट लड़की है, मुझे तो लगता है कुछ दिन बाद हमारी जिंदगी में भी दखल देने लगेगी। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लगते। सही कहा दादी आपने, मेरे अलावा आप ही हो इस घर में जो इस लड़की के सही इरादे को जानते हो। लेकिन दादी सिर्फ इरादे जानने से बात नहीं बनेगी, इस प्रीता नाम के सीन को हमारी घर की कहानी से हटाना ही होगा। उसके लिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं ये लड़की इस घर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। हम दोनों इसको जल्द से जल्द घर से बाहर फेंक देंगे। डन दादी, और इसको घर से बाहर फेंकने का प्लान कल सुबह से शुरू। आंटी हमसे पूरे महीने का किराया मांग रही थी ना, ये लो ये सारे पैसे रखो और उनके मुंह पे मार देना, क्योंकि अब हम यहाँ से निकलेंगे फाइनली। मुझे नहीं रहना है, बहुत हो गया, बर्दाश्त के बाहर हो गई ये चीजें दीदी। मैं तो नहीं रह सकती, हर दिन उनका एक नया रूल रहता है, ठीक है, कभी ये नहीं कर सकते कभी वो नहीं कर सकते, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ। आई एम सॉरी, बहुत हो गया। मैं मेरी बात तो सुन, इतने सारे पैसे लाए कहां से? अरे दी वो जो आपकी अंगूठी थी ना जो दीपक जीजू के लिए बनाई थी, वो मैंने बेच दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने पापा की अंगूठी जाकर बेच दी थी, जाकर बेच दी थी। एक बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी? हमें पैसों की जरूरत थी और ऐसे वक्त तो गोल्ड ही काम आता है ना, और वैसे भी उस अंगूठी का अब क्या फायदा, वो तो दीपक जीजू के लिए थी ना, और अब तो सगाई भी नहीं हो रही है। एंड एनी विच वेज वो प्योर गोल्ड की नहीं थी, इसलिए सिर्फ 10,000 रुपए मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा थी आपने एक मामूली अंगूठी की वजह से मुझ पर हाथ उठाया। कोई मामूली अंगूठी नहीं थी, वो पापा की आखिरी निशानी थी मेरे पास। और क्या मिलावट, किस मिलावट की बात करें, कोई मिलावट नहीं थी अंगूठी में। मैं जानती हूँ क्योंकि पापा वो अंगूठी बेचना चाहते थे जब कॉलेज की फी भरनी थी मेरे लिए, फिर मुझे स्कॉलरशिप मिल गया। दीपक के लिए सिर्फ पॉलिश कराई थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, और तूने पापा की आखिरी यादगार जाकर बेची। इतनी जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, एक बार मुझसे पूछा तक नहीं। सॉरी सॉरी, जा तू यहां से प्लीज। दे रो मत यार प्लीज, मैं वो अंगूठी वापस लेके आऊंगी। कहाँ गए वो पैसे? मैं ये सारे पैसे मैं उसे दे दूंगी और उससे कहूंगी कि अंगूठी वापस दे दे, वो झूले वाले अंकल है ना बहुत अच्छे हैं, मैं अभी जस्ट गई और अभी आई। प्लीज रोना नहीं। इंस्पेक्टर अंकल मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई गलती नहीं की, प्लीज मुझे जेल से बाहर
निकाली ना मेरे कोई चोरी नहीं की है। लड़की शोर मत मचा, चुपचाप बैठी रह वरना तेरी मुसीबत और बढ़ जाएगी। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो अपने पापा की रिंग वापस ले रही थी। वो सुनार एक नंबर का चीटर है, उसने मेरे से चीटिंग की है। उसने मुझे बोला कि मेरी अंगूठी में मिलावट है, लेकिन मेरी अंगूठी में कोई मिलावट नहीं थी सर, वो प्योर गोल्ड की अंगूठी थी। फिर भी उसने मुझे 10,000 रुपए दिए, और इनफैक्ट मैं तो उसके 10,000 रुपए वापस करने गई थी, मुझे सिर्फ अपनी अंगूठी चाहिए थी। आप वो सुनार अंकल से पूछना मैं कितना गिड़गिड़ा रही थी उनके सामने। प्लीज मुझे जेल से बाहर निकालिए सर, आप क्यों नहीं समझ रहे, मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे जेल से, तुम जैसी लड़कियों की चालबाजी मैं अच्छी तरह समझता हूँ, बोला ना कि बक बक नहीं करने का, वरना मेरा दिमाग घूम गया तो भारी पड़ेगा तुझे। और ये पुलिस थाना है, मेरे लिए लड़का लड़की सब बराबर है, अगर तूने गुनाह किया है तो उसकी सजा तुझे मिलेगी, समझी? इंस्पेक्टर अंकल, आपको मेरी गलती दिख रही है, आपको वो सोनार का जुर्म नहीं दिख रहा है। चुप, वरना तुझे डंडे की भाषा समझानी पड़ेगी। अरे रे शांता, संभालो इसको। इंस्पेक्टर अंकल प्लीज संभालिए, बस ठीक है, वो जाके बैठो पुलिस अड्डे वो बस। ए, पहली बार अंदर आई है क्या? एक बार पुलिस का चक्कर लग गया तो समझो जिंदगी भर नहीं पीछा छोड़ेगा, अब तो तू फंसी बच्चा। बाहर निकालो। एक्सक्यूज मी, आपके साहब का अंदर। अभी का फोन नहीं लग रहा प्रीता, अभी का फोन नहीं लग रहा है, और प्रज्ञा भी फोन नहीं उठा रही। एक्सक्यूज मी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे जेल से बाहर निकालो। देखो ना, लोग ने मुझे बंद कर रखा है यहाँ पे। कोई डरने की बात ही नहीं है, अब मैं आ गई हूँ ना, तुझे यहाँ से निकाल लेंगे। इंस्पेक्टर सर आ रहे हैं, उनसे बात करके मैं तुझे यहाँ से निकाल लूंगी। तीन लोगों को बोले ना मैंने चोरी नहीं की, मैं तो अपनी रिंग वापस लेने गई थी। वो सुनार बहुत बड़ा धोखेबाज है, बहुत बड़ा फ्रॉड है, उसने मेरे साथ चीटिंग की है। झूठ उसने बोला थी, चीटिंग उसने की, और जेल के अंदर मुझे डाल दिया, मुझे अरेस्ट करवा दिया। मुझे बात पता है, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, मैंने तुझे थप्पड़ मारा इसलिए। दीदी आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो किया वो सही किया, मेरी हरकतें ही ऐसी है। देख मैं आंटी जी को लाई हूँ सर, आंटी जी यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। सुनिए वो इंस्पेक्टर साहब जो ड्यूटी पे, उन्हें बुला दीजिए। मैं हूँ इंस्पेक्टर चौहान, बताइए क्या बात। नमस्ते, मैं सरला अरोड़ा हूँ। वो लड़की जिसको आपने लॉकअप में डाला है ना, दृष्टि हमारे यहाँ पीजी में रहती है, अपनी बड़ी बहन प्रीता के साथ। वो तो ठीक है, पर आप फिर यहाँ क्यों आई? इंस्पेक्टर जी इन्हें प्लीज रिहा कर दीजिए, इसने कुछ नहीं किया। देखिए हमें एक सुनार से कम्प्लेन मिली है, और मैंने फौरन एक्शन लेकर इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोरी। चुप, एकदम चुप। इंस्पेक्टर साहब आप मेरी बात सुनिए, ये बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर में पीजी रहती है, ये कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती, आप विश्वास करिए ना मुझ पे। मैडम आप भले घर की संस्कारी लेडी लगती हो, आपने इनको पीजी रख, शायद आपको पैसे की जरूरत रही होगी, लेकिन इन पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप जानती नहीं है ये लड़कियां, मैंने ऐसे अनेकों केस देखे हैं, ये अपने घर मालकी ने अपने माँ बाप तक को नहीं बताती कि लोग पैसे के लिए क्या क्या करती हैं। आपको जरा भी अंदाजा नहीं है मैडम कि ये दुनिया कितनी बुरी है, आप अच्छे हो इसलिए सबको उसी नजर से देखती, लेकिन आज मैं आपका ये भ्रम भी तोड़ देता हूँ। कल ही हमने एक इज्जतदार मोहल्ले पर रेड डाली, तीन लड़कियों को पकड़ा जो वहाँ धंधा करती थी। जरा सोची, इज्जतदार लोगों के भरोसे का फायदा उठाकर धंधा कर रही है। आपको पता नहीं है कि ये लड़कियाँ यहाँ क्यों आती हैं धंधा करने के लिए, इनके माँ बाप इनको भेजते कैसे हैं, कोई झूठी कहानी बनाती होंगी और क्या। और पता नहीं ये लड़की उस सुनार के पास अंगूठी बेचने गई थी या फिर सौदा कर, और जब बात नहीं बनी तो चोरी में उतर आए। आप होश में तो है? एकदम चुप, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, और कभी कभी तो तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारा साथ देते हैं, कुछ पैसे के लिए बेटियों की कमाई खाते हैं। बेशर्म कहीं की, कोई संस्कार नहीं होता इनका, और जब ये पकड़ी जाती हैं और हम इन्हें आईना दिखाते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाती है, और अच्छे से समझ आता है कि इस लड़की और उस सुनार के बीच में क्या हुआ। चुप, एक शब्द और बोला ना इन लड़कियों के बारे में, क्या करूंगी।
मैडम आपको जानती नहीं है, पैसे के लिए लड़कियां क्या क्या कर सकती है। आपको पता है वो कौन है, कहां से आई है, इनके खून में कौन सा गंदा खून बह रहा है। नहीं जानती, मेरी बेटियां मर जाएंगी लेकिन कोई गलत काम नहीं करेंगी। इतना भरोसा है मुझे अपने संस्कारों पर, अपने खून पर। आप इंस्पेक्टर हैं? कैसे इंस्पेक्टर हैं आप? बिना किसी सबूत के आपने दोष लगा दिया इस लड़की पर। ये भी नहीं सोचा कि कम से कम सबूत तो। मैं गारंटी से कह सकती कि मेरी बेटी ऐसा गलत काम कभी कर ही नहीं सकती। पर अगर आपने दोबारा इस पर इल्जाम लगाया ना, मैं सच कहती हूँ आप इल्जाम इस पर लगाएंगे लेकिन आज मैं आपकी इस वर्दी पर इल्जाम लगाऊंगी। जिगर का टुकड़ा है मेरी बच्ची, मेरी जान बचती है, मैं मेरा गुरु रहेगी। किस्मत वालों के घर पैदा होती है बेटियां, भगवान भी उन्हें बेटियां देता है। जो किस्मत वाले वो तो मैं ही। सल्ला जी ने कहा ना कि वो कुछ करेंगे तो देखना, वो पक्का कुछ करेंगे। उन्होंने ना उसे फोन किया है, रॉकस्टार अभी को, वो बहुत लोगों को जानते हैं, पक्का कुछ करेंगे। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही। देखना हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुझे अभी यहाँ से बाहर निकालते हैं, अभी निकाल दी। मुझे इस जेल से बाहर नहीं निकलना। क्यों अब ऐसे क्यों कह रही है? मुझे उस औरत का कोई एहसान नहीं चाहिए। अब क्यों बड़पन दिखा रही है ये? जिस रिश्ते का पहले ही गला घोट दिया हो, अब क्यों जोड़ रही है उस रिश्ते को? वो मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती है। चल इस बारे में बाद में बात करें। अगर ये औरत मुझे बाहर निकाल रही है तो मुझे नहीं निकलना है। फिर चाहे मुझ पे मुकदमा चले, केस चले, मैं जेल के अंदर सड़ू, कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस औरत के एहसान का बोझ मैं नहीं ले सकती थी। आपको पता ना मैं कितनी जिद्दी हूँ। तुझे जिद्दी मैं कहाँ से, मैं किसी को यहाँ नहीं जानती, मैं कहाँ से तुझे निकालूंगी? माँ कहती है खुद को। ये कहाँ थी जब हमें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? कहाँ थी ये जब मुझे बचपन में चोटें लगती थी, जब मुझे रात में डर लगता था, जब हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते थे, छेड़ते थे हमें, कह रही तेरी तो माँ नहीं, कौन थी? कौन थी ये माँ? दी मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, आप ही मेरे मॉम हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही सब कुछ हो मेरे लिए। आप किसी और की मदद ले लीजिए लेकिन इससे हेल्प नहीं लेना, क्योंकि इसका एहसान मैं नहीं उठा पाऊंगी। दी ये औरत मेरी माँ नहीं है और ना कभी बन सकती। आई एम सॉरी, मैं किसको बोलूं? प्रीता का फोन इस वक्त? किसी प्रीता का फोन है घर से? नहीं है, सो डोंट वरी, आई एम श्योर इट्स नथिंग अर्जेंट। सो टेल मी व्हिच मॉडल डू वी फाइनलाइज। समीर गिव मी द फोन। सॉरी, आई सेड गिव मी द फोन। हाय प्रीता। ऋषभ जी, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। क्या हुआ? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, पुलिस स्टेशन में। लॉकअप पे अंदर बंद कर दिया। What? Don't worry, Sprita, I'm coming immediately, all right? Gentlemen, I'm really so sorry. I know this meeting is very, very important, but I have to leave immediately. It's an urgent. Samir, mail me all the pictures and I'll have a look at it in my phone. All right? Sure. All the best. ये अभी का फोन पता नहीं क्यों नहीं लगा। कब से ट्राई कर रही हूँ मैं, लगता है किसी काम में होगा। आज जब इतनी ज्यादा जरूरत है उसकी तभी फोन। मैं प्रज्ञा को फोन लगाती हूँ। हेलो। हेलो प्रज्ञा। हाँ बेटा, उसको पुलिस ने लॉकअप में डाल दिया, मॉडर्न पुलिस थाने। मैं कब से लगा रही हूँ अभी को फोन, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा, शायद किसी काम में भेजा होगा। तू आ जा बेटा, तू आ जा। मदद, एक काम कीजिए, आपको मदद चाहिए ना तो आप एक एप्लीकेशन लिख के यहाँ पे भेज दीजिए। दो चार महीने में सोच लेंगे कि क्या करना है। यहाँ पे किसी के पास फुर्सत नहीं आपसे बात करने के लिए। तनु, फोन प्रज्ञा को दो। आपको सिंपल हिंदी समझ में नहीं आती क्या? प्रज्ञा आपसे बात नहीं कर सकती, इसका मतलब बात नहीं कर सकती। और वैसे भी जब आप उसकी मदद नहीं कर सकती तो वो आपकी मदद कैसे करेगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई प्रज्ञा के फोन को हाथ लगाने की? राइट। तो क्या मैं फोन पैर से उठाती? चलो शायद पैर से उठा भी लेती लेकिन मुझे पेडिक्योर की जरूरत है। मैं हाथ छोड़ के प्लीज प्रज्ञा को फोन दे। हाउ स्वीट। आई थिंक आप भी यही चाहती हैं कि मैं जाके पेडिक्योर करवा लूं और आपसे बात करने में टाइम वेस्ट ना करूं। ठीक है,
लीजिए। क्या है कि प्रज्ञा अवेलेबल नहीं है और मुझे पेडिक्योर करवाने जाना है, लेट हो रहा है। ओके बाय। तनु प्रेम जब दूर गई ना तो छोटी प्रीता ऋषभ जी वो सृष्टि को लॉकअप में बंद कर दिया, मुझे कोई समझ नहीं आया कि किसकी मदद। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने अपने लॉयर को इन्फॉर्म कर दिया, वो बस यहाँ पे आ ही रहे होंगे। आप अकेली नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, सब सॉर्ट हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स। मैं जाकर देखता हूँ। यहाँ पर ड्यूटी ऑफिसर कौन है? आप करण सर के भाई है ना, आप मुझे जरा बताएंगे उनके बारे में? नहीं मैं लेके चलता हूँ। इंस्पेक्टर चौहान। हाँ जी, मैं थोड़ा काम में था। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर किसी को छुड़वाने के लिए आया। मेरी बहन को, सृष्टि, जिसको आपने अरेस्ट किया। देखिए हमको कोई शौक नहीं है कि बिना वजह किसी को अरेस्ट करो। लड़की ने कानून तोड़ा है, उसने एक दुकान से चोरी की। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चोरी किया उसने? अरे गहने चुराए हैं। गहनों का नाम होगा ना, चेन, अंगूठी, हार, कंगन, घड़ी, क्या चुराया? क्या वो सुनार ने कंप्लेन किया तो हमें तो अरेस्ट किया। तो आपने बिना डिटेल्स जाने एक्शन ले लिया। एनीवेज आपने सीसीटीवी फुटेज देखा होगा ना, उसमें क्या देखा आपने, क्या चुराया? अरे न जाने कितनी लड़कियों को ऐसे अरेस्ट करते हैं। तमीज मत बोलना इंस्पेक्टर, क्योंकि अगर मैं तमीज भूल गया तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, और ये लड़की तुम्हारी उन लड़कियों में ना तो शामिल है और ना ही शामिल हो सकती है। इसलिए बोलने से पहले कम से कम 10 बार सोच लो, क्योंकि मैं तुम्हारी बकवास एक्सेप्ट नहीं करूँगा। अब आप मुझे ये बताएंगे कि किस कांस्टेबल ने सृष्टि को अरेस्ट किया? सर मैंने किया था, मैं कादर खान। इंस्पेक्टर क्या लगता है आपको? मैं आपको बख्श दूंगा, बिना डिटेल्स जाने रात को एक लड़की को अरेस्ट किया, वो भी बिना लेडी ऑफिसर के। क्या मैं पूछ सकता हूँ ऐसी कौन सी जल्दी थी आपको? ऐसा क्या देख लिया था आपने सीसीटीवी फुटेज में? अरे बताइए ना, इसका मतलब आपने सीसीटीवी फुटेज चेक ही नहीं किया। आपने जानने की भी जरूरत नहीं समझी कि लड़की के ऊपर जो इल्जाम लगा है वो सही है या गलत है? बोला ना कि ऐसी लड़कियां बहुत आती हैं, और सुना झूठ क्यों बोलेगा? क्यों नहीं बोलेगा? वो आपका रिश्तेदार है या आपका रिश्वतदार है जो आप उसकी इतनी गारंटी ले रहे हैं? इंस्पेक्टर मैं एक बात बोल देता हूँ, ये जो लड़की खड़ी है ना यहाँ पर, ये लड़की ना तो झूठ बोलेगी ना गलत का साथ देगी, और ये बात मैं जानता हूँ। मुझे इस लड़की के ऊपर इतना विश्वास है कि ये किसी भी गुनहगार को सपोर्ट नहीं करेगी, फिर चाहे वो उसकी अपनी सगी बहन ही क्यों ना हो। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप सृष्टि को रिहा कर दीजिए, नहीं तो मैं आपके ऊपर एक मुकदमा करूंगा, क्योंकि वो जो कैमरे की जो सीसीटीवी फुटेज है ना, वो सृष्टि को बेगुनाह साबित करने के लिए काफी होगी, लेकिन वो फुटेज मैं आपकी लापरवाही का सबूत बनाऊंगा और आपके ऊपर मुकदमा करूंगा कि बिना डिटेल्स के रात को बिना लेडी ऑफिसर के आपने सृष्टि को अरेस्ट किया और उसको बदनाम करने की कोशिश करी। अब मुझे धमकी दे रहे? आपको जो समझना है आप वो समझ। मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। नहीं चौहान, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वरना जिस वर्दी के दम पर तुम इस तरह मनमानी कर रहे हो ना, वो वर्दी उतर जाएगी तुमसे। बहुत दिनों से तुम्हारे ऊपर के लोगों की तुम पर नजर है, ब्लैक लिस्टेड हो तुम, समझे? और सब जानते हैं कि तुम रिश्वतखोर हो। बस एक दो शिकायतें तुम्हारे खिलाफ और मिलेगी तो ये वर्दी अभी उतर जाएगी। मेरी बात मानो, उस लड़की को रिहा कर दो और इस केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। और सृष्टि की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, वो शहर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। शेख, वो लड़की सृष्टि है ना, उसको बाहर निकालो। ये क्या हुआ सृष्टि, बात क्या है? कपड़े पैक करके कहाँ जाने की तैयारी कर रही है सृष्टि? सुन मेरी बात तो सुन। वैद्या और इधर देख, क्या बात है? प्लीज सृष्टि प्लीज, देख तू चीख ले, चिल्ला ले, मुझ पर गुस्सा कर, लेकिन रो मत। तुझे पता ना मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। अब बता क्यों इतना रो रही है? दी एक तो ये औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जब देखो तो दोष जमाती रहती है ये। जब से हो संभाला मैंने सिर्फ और सिर्फ नफरत की है दी उनसे। जब भी उनको देखती हूँ ना मुझे घिन आती है अपने आप पे कि मैं इनकी बेटी हूँ। अरे नई चैन की दी हुई जिंदगी थी, अब मैं एक और मिनट नहीं रुकूंगी इस घर में। मैंने कहती थी कि औरत है ना हमारे साथ खेल खेल रही है। देखा, उनको पहले से ही पता था कि हम उनकी बेटी हैं, लेकिन एक बार भी माँ वाला एक्सप्रेशन दिया अपने चेहरे पर। इतनी बुरी होती तो तुझे जेल से निकालने के लिए पागल नहीं हो जाती। उनके बस में जो कुछ हो सका उन्होंने किया। ओ नो दी, अब भी उनके झांसे में आ गई ना,
अरे कौन सी माँ होती है यार जो अपने छोटे बच्चों को छोड़ के जाती है। सरला अरोरा ने बहुत साल पहले हमें ठुकरा दिया दी। आप कुछ भी कहो दी, मैं इस घर में ना एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।